सिटी से दूर, ट्रैफिक से दूर, नेचर से भरपूर. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. सुबह के 5:30 बजे हैं और मैंने अपनी जर्नी नल सरोवर के लिए स्टार्ट कर दी है. थोड़ी ही देर में मैं वहाँ पर पहुँचने वाली हूँ. तो मुझे कहीं से पता चला है कि नल सरोवर अगर हमें जाना है, विज़िट करना है, तो सुबह का टाइम ही बेस्ट है. शायद मुझे वहाँ पे आज कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाए. तो वहाँ पहुँचने से पहले, थोड़ी देर पहले, हमें ये चाय की किटली मिली है. ये रही चाय और ये सुनसान हाईवे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है. देखते हैं आगे क्या होता है. रोड पर पूरा ही अंधेरा है. You mean it, but you're so right. We're losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. मैं आ चुकी हूँ नल सरोवर पे और यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ. यहाँ का क्या एक्सपीरियंस होगा, यहाँ का व्यू कैसा होगा, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है. हम टिकट लेने के बाद में नल सरोवर के अंदर एंट्री कर रहे हैं. अंदर गाड़ी अलाउड है, गाड़ी लेकर जा सकते हैं. अगर आपके पास में कैमरा है तो आपको 200 और पे करना है. कर चुके हैं. अभी तक हमने बाकी सारी एक्टिविटीज स्टार्ट नहीं करी है. सुबह के 7:15 बज रहे हैं और यहाँ पर एक्चुअली आज भी काफ़ी लोग आए हुए हैं. हो सकता है वीकेंड है इसलिए. दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर अगर आपकी कार में आप अकेले आए हैं तो भी 500 लगेगा. दो लोग हैं, तीन लोग हैं, ऐसे करके 6 लोगों की कैपेसिटी तक यहाँ पे जो टिकट का रेट है वो 500 है. तो पहले से पता हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप अकेले आ रहे हैं तो आपको हो सकता है कि फिर महंगा पड़ जाए. बोट में बैठने से पहले का ये व्यू है और आई नो ये कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है. ये कलरफुल बोट्स यहाँ पर खड़ी हैं. आपका नाम क्या है भैया? रफीक भाई. रफीक 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 भाई. तो आप ये नल सरोवर का टूर कब से करवा रहे हैं? कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? 10 साल हो गए. यहाँ से मैं हाई स्कूल साथ दो बनने उतरा, यहाँ से यहाँ पे ही हूँ. ओके. तो आप मुझे थोड़े, मतलब मैं चीज़ें पूछूंगी, आप बताएंगे मुझे नल सरोवर के बारे में? हाँ बताएंगे. तो मतलब नल सरोवर का क्या खास है? आप और सरोवर 120 किलोमीटर का लेके 120 किलोमीटर 120 कार किलोमीटर का लेके. हाँ हाँ. इसके अंदर 250 जात के बर्ड आते हैं. 250 मतलब 250 जात के बर्ड आते हैं. जैसी ऋतु होती है ऐसे बर्ड आते हैं. जो सीजन होती है नहीं तभी यहाँ पे आती. गर्मी पड़ती है तो बाहर सब विदेश चले जाते हैं. विदेश जहाँ से आते हैं वहाँ चले जाते हैं सब. अच्छा. अलग अलग देशों से आते हैं. हाँ हाँ. 1000-2000 किलोमीटर से दूर आते हैं. हाँ हाँ. पूरा. हाँ. और खास फ्लेमिंगो के लिए टूरिस्ट ज्यादा आते हैं. फ्लेमिंगो जनवरी महीने में आता है. आता है दिसंबर में, लेकिन इस साल पानी ज्यादा है इसलिए अभी आए नहीं है. अच्छा, मतलब पानी के हिसाब से भी यहाँ पे फर्क पड़ता है. हाँ, पानी के हिसाब से ही फर्क पड़ेगा ना. उसको क्या है, पानी कम चाहिए. अच्छा. 1 फीट पानी में वो उतर सकता है, ऐसा बर्ड होता है इसीलिए. अच्छा.
और भैया आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा खास क्या लगता है, यहाँ का मतलब क्या स्पेशल है यहाँ पे? क्या ये वनस्पति के लिए बर्ड खुराक खाने के लिए ज्यादा आते हैं? वनस्पति मतलब ये जो पानी में, पानी में ये जो दिख रहा है ये इसको खाने के लिए, ये उनका खुराक है? हाँ, इनका खुराक होता है। अच्छा, तो इसी के लिए वो लोग आते हैं यहाँ पे। और नेचुरल वातावरण शांत होता है यहाँ पे, इसीलिए बर्ड आता है। तो ये रफीक भाई हैं, इन्होंने नल सरोवर के बारे में हमें इतनी सारी जानकारी दी जो कि एक लोकल से जान पाना अपने आप में ही एक बहुत अच्छी बात है। मैं अगर खुद बताती सारी चीज़ें यहाँ वहाँ से पता करके तो शायद इतनी अच्छी तरीके से नहीं बता पाती जितनी अच्छी तरीके से रफीक भाई ने हमें एक्सप्लेन किया है बर्ड्स के बारे में, सरोवर के बारे में और ये नेचुरल ब्यूटी के बारे में। तो इन शॉर्ट यहाँ पे आना मतलब एक बार लाइफ में एक्सपीरियंस करने जैसा ही है। और मॉर्निंग में आना चाहिए, 6 बजे ओपन होता है नल सरोवर, अहमदाबाद से लगभग 70 किलोमीटर्स पे पड़ता है। तो ट्राई कीजिए आप लोग, सुबह जल्दी निकलो और 6 बजे तक आ जाओ, बहुत ही अच्छी ब्यूटी देखने को मिलेगी। और नवंबर से फेब के बीच में ही मतलब यहाँ पे आना बेस्ट माना जाता है। तो 2 से 3 घंटे लगते हैं पूरा नल सरोवर कवर करने में। ये भैया बता रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट्स हैं जो ये दिखाने के लिए ले जाते हैं, 5 to 6 आई गेस पॉइंट्स हैं। तो उसके अलग अलग चार्जेस है, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कहाँ कहाँ घूमना है, क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या क्या है, तो इट्स माई फर्स्ट टाइम, देखते हैं आगे क्या है कैसे है, लेकिन बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down and embrace the love we found for you and ours. छोटा सा एक आइलैंड है जहाँ पर हम उस बोट के थ्रू आए हैं और हम यहाँ पर रुके हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ देखने जैसा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि ये एक छोटी सी जगह है जहाँ पर हम रुक करके थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए ज़रा, ये सनराइज़ होने वाला है और शायद मेरे कैमरे में ये जस्टिस ना हो कि यहाँ पे इस वक्त मुझे कितना अच्छा लग रहा है। पास ही में वहाँ पर नीचे वो बर्ड्स बैठे हुए हैं। और यहाँ पर इस नल सरोवर की खासियत ये है कि इस नल सरोवर के अंदर, जैसा कि पहले आपने मेरे वीडियो में देखा कि कुछ तो घास जैसा कुछ है जो ऑलरेडी मतलब प्राकृतिक है, उसको खाने के लिए दूर दूर से बर्ड्स आते हैं सीज़न पर, और सीज़न ख़त्म होते ही वो चले जाते हैं। तो वो तो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, लेकिन ये है कि हमें ध्यान रखना है थोड़ा। अगर हम शांति से आ रहे हैं, शांति से दूर से देख रहे हैं तो हमें देखने को मिल रहा है, अगर हम उन्हें डिस्टर्ब करेंगे तो वो ऑब्वियसली हमें नहीं देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स हैं, अगर आपको बर्ड्स पसंद है देखना तो ये बेस्ट प्लेस है विज़िट करने के लिए। और मॉर्निंग तो ऑसम है, ये बहुत अच्छा व्यू है। मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं कि मैं कौन सी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं कि मैं कौन सी जगह पे आई हूँ। पहले जब मैंने टिकट्स ली तो मुझे थोड़ा पैसा ज़्यादा लग रहा था, 500 पर कार, अगर मैं उसमें अकेली होती तो मेरा अकेले का 500 टिकट हो जाता एंट्री टिकट, और उसके बाद में बोट का यहाँ पर कुछ भी रेट चल रहा है। मतलब मुझे गेट पे बोला गया था कि आपको 300 से ज़्यादा पर पर्सन नहीं देना है, लेकिन यहाँ पर आके अगर आपको पर्सनल बोट करनी है तो उसके अलग चार्जेस हैं। सो बार्गेनिंग इज़ मस्ट,
अगर आप बार्गिन करते हैं तो आपको कुछ कम पैसे हो जाएंगे। अगर आपको पर्सनल बोट करके आना है, प्राइवेट बोट करके आना है, तो 1500 पर बोट है। और बोट करने के बाद में भी इनके अलग अलग पैकेजेस हैं, जैसे कि आपको बोट करने के बाद में आपको घूमना कितनी जगह है, जिस तरीके से जितना आपको घूमना है, जितना टाइम आप बिताएंगे उस तरीके से। अभी हमारा भी कुछ फाइनल नहीं कर पाए हम लोग, तो अभी बार्गिन चल ही रहा है, कुछ 2000 के अराउंड है। सो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन वर्थ इट है, लाइफ में एक बार तो आना बनता ही है। सिटी से दूर, ट्रैफिक से दूर, नेचर से भरपूर। Can we just तो ये इंस्टेंट माला बन गई है एक कमल लेकर के। तो ये एक आइलैंड है जहाँ पर कमल खिलते हैं और यहाँ के लोकल्स तुरंत उसकी ऐसे माला बना कर देते हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आने वाला है, मैं इसको पहनने वाली हूँ। So can we just stop?